हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 7 फरवरी 2020। आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक जो रहेंगे पर डे की तरह रहेंगे, मोटिवेशन कोट रहेगा, वनलाइनर न्यूज़ रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी, स्पेशल नॉलेज रहेगी, एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स रहेंगे। एक स्टेट रहेगा जिसे हम डिस्कस करेंगे, स्टैटिक जीके भी रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स रहेंगे। मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डो नॉट स्टॉप। इसका मतलब ये हो गया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चल रहे हो, ठीक है, जब तक कि आप रुकते नहीं हो। अब इस बात को कहने का मतलब ये है कि हम, ऐसा लगता है कि हमने बहुत थोड़ा पता है, हमें आधी अधूरी जानकारी है। इस आधी अधूरी जानकारी को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। जैसे आपने आज 20 क्वेश्चंस लर्न कर लीजिए, आपको 20 क्वेश्चंस याद हो गए, वो आपको कभी भूलने ही नहीं है। अगर एग्ज़ाम में उनमें से एक भी क्वेश्चन आ गया तो वो आपका एक सिक्योर मार्क हो गया। ओके, इसी प्रकार क्या है कि आप पर डे एक ध्येय बना लीजिए कि हमें 20 क्वेश्चंस बनाने हैं। जब आप 20 क्वेश्चंस बनाने लगेंगे तो आप 50 भी बनाने लगेंगे एक दिन में। तो ये आप अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए उसके पास पहुंचते जाएंगे। जब बस आपको रुकना नहीं है, जब तक आपको कामयाबी प्राप्त नहीं हो जाती, आपको रुकना नहीं है, चलते जाना है, कामयाबी आपको अवश्य प्राप्त होगी। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वनलाइनर न्यूज़ देख लेते हैं। रक्षा से पहली न्यूज़ रहेगी, भारतीय नौसेना ने कहाँ मतला अभियान नामक एक तटीय सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है। तो इन्होंने शुरू किया है कोलकाता के अंदर, ओके, जो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देख लेते हैं। नए सुधार के अनुसार अब देश के कितने सभी सहकारी बैंकों का बैंकिंग परिचालन भारतीय रिजर्व बैंक के नियमन के अंतर्गत आ गया है। तो वो है 1540 जो नियमन के अंतर्गत आ गया, किसके, रिजर्व बैंक के। अब आरबीआई की जो गवर्नर है वो आपको पता है शक्तिकांत दास जी हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा और अभी आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर बनाए गए हैं तो उनका नाम है माइकल पात्रा। ओके, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देख लेते हैं। 6 से 7 फरवरी 2020 को आयोजित किए जाने वाले समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथे ईएएस सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है। तो वो है हमारा देश भारत, और भारत में रहेगा चेन्नई में। चेन्नई क्या है, तमिलनाडु की कैपिटल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उत्पाद संघ के आंकड़ों के अनुसार वह देश कौन सा है। बस 2018 और 19 में चीन के बाद कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। तो ये देश बन गया हमारा भारत, जो चीन तो पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे जो हमारा है वो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी संघ के प्रमुखों और राज्य सरकार की सभा का 33वां साधारण सत्र 21 जनवरी से 10 जनवरी तक कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा अदिस अबाबा इथोपिया में। राष्ट्रमंडल के 54वें सदस्य देश कौन से हैं, तो वो है मालदीव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रहेगी, नेशनल न्यूज़ रहेगी, राष्ट्रीय न्यूज़ रहेगी। 5 फरवरी को कैबिनेट ने कहाँ एक बड़ा बंदरगाह स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। तो बांडवड़ हडानू महाराष्ट्र के पास ही एक जगह है। अब महाराष्ट्र क्या है, महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाती है मुंबई, और यहाँ पे जो सीएम है वो उद्धव ठाकरे जी, इन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी है कि जो संविधान है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसका स्कूलों में जो प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, उस समय उसको बोला जाएगा। ओके, 8वां जो नंबर पर प्रश्न है वो देख लेते हैं। 7 से 9 फरवरी के अवधि के दौरान समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने वाइसवे इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है। तो वो कर रहा है कोची। कोची क्या है, केरल का एक शहर है। ओके, केरल की कैपिटल अगर पूछी ली जाएगी तो बताओगे आप तिरुवनंतपुरम, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था, त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था। पेरियार नदी, मुल्ला पेरियार डैम जो है पेरियार नदी पर है, पिन वैली, साइलेंट वैली, ये सब आपको, इराविकुलम नेशनल पार्क, ये सब आपको केरल के अंदर मिल जाएंगे।
केरल के जो वो सीएम है वो है पिनाराय विजयन जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईआईटी सार्वजनिक निजी भागीदारी अधिनियम 2017 के तहत किन 5 शहरों में स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को शामिल करने की मंजूरी दे दी है? तो सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर, ये 5 शहर हैं जिन्हें भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ वार्षिक उद्यानिक उत्सव का उद्घाटन किया है? अब ये क्वेश्चन हम थर्ड टाइम रिपीट कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा कि ये जो उद्योग उत्सव है वो कहाँ हुआ है, मुगल गार्डन में, राष्ट्रपति भवन में। ओके, न्यू दिल्ली के अंदर। व्यक्ति विशेष की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, द बैंकर पत्रिका द्वारा सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 एशिया पैसिफिक के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, या सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। ये कौन है? आरबीआई के गवर्नर। और इनके लिए अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 किसे दिया गया है, तो शक्तिकांत दास जी को। किसके द्वारा दिया गया है? तो द बैंकर मैगजीन के द्वारा इन्हें ये पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? सभी लोग जानते हैं, ऑड्रे अजौले, ये फ्रांस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में जलवायु कार्रवाई समिति के नए महासचिव और सहायक महासचिव के विशेष सलाहकार कौन है? तो वो है सेल्विन हर्ट, वारवाडोस के ये व्यक्ति हैं। खेल से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष में, वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय खेलों को आयोजित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है? तो वो की है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल की कैपिटल हो जाती है कोलकाता। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच एक रिवर जो है वो हमेशा विवादित रहती है, वो है हमारी तीस्ता रिवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल की, मतलब विवादित नहीं रहती, सॉरी, जो पश्चिम बंगाल और सिक्किम है इसकी बॉर्डर के, इसको, इससे बॉर्डर शेयर करती है, ये है तीस्ता रिवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल की क्रिकेट सलाहकार समिति के 3 सदस्य कौन कौन हैं? तो वो हैं मदन लाल, रुद्र प्रताप सिंह और सुलक्षणा नायक। बीसीसीआई क्रिकेट सलाहकार समिति के 3 सदस्य नए बने हुए हैं, तो ये कौन कौन हैं? मदन लाल, रुद्र प्रताप सिंह और सुलक्षणा नायक। राज्य विशेष न्यूज़ देख लेते हैं, प्रथम भीतरकनिका उत्सव का आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है? तो ओडिशा। ये 7 फरवरी, मतलब कि आज से ये आयोजन किया जाएगा। अब भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो ओडिशा के अंदर है, ओडिशा की कैपिटल होती है भुवनेश्वर। ओके, अब जो भी हमारे हॉकी के गेम्स होंगे तो वो सब क्या होंगे? भुवनेश्वर के अंदर होंगे 2022 के। ओके, किस राज्य सरकार ने दरवाजों पर सेवाएं प्रदान करने के लिए जनसेवक योजना शुरू की है? तो वो जनसेवक योजना शुरू करने वाली जो सरकार है वो है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल होती है बेंगलुरु, ये सभी लोग जानते हैं। ओके, अब ज्ञान विज्ञान से क्वेश्चन देख लेते हैं, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने AIM4 नामक एक नया अणु खोजा जो ALS नामक एक दुर्लभ बीमारी के उपचार में काम आ सकता है? तो ये IIT हैदराबाद जो है उसने ये जीवाणु खोजा है। अब नाम इसका आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, AIM4 जो अणु है वो खोजा है किसने, किसकी बीमारी से बचने के लिए? ALS नामक दुर्लभ बीमारी से बचने के लिए। अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई है उससे संबंधित सामान्य ज्ञान को देख लेते हैं, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन मतलब कि ओपेक की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। मुख्यालय आपको वियना ऑस्ट्रिया में मिल जाएगा। लेसेथो दक्षिण अफ्रीका में एक देश है जिसकी राजधानी होती है मासेरू और मुद्रा होती है लेसोथो लोटी। ओके, भारतीय क्रिकेट मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1928 में, और मुख्यालय आपको मुंबई में मिल जाएगा। इसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगी, पूरी वीडियो आप वॉच कीजिएगा पूरा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन जो है यूनेस्को जो है उसकी स्थापना कब हुई? 1945 में 16 नवंबर को, और मुख्यालय जो है आपका वो आपको मिल जाएगा पेरिस फ्रांस में। ओके, अफ्रीकी संघ की स्थापना हुई थी 1963 में, मुख्यालय अदिस अबाबा में मिल जाएगा इथोपिया में। इथोपिया की कैपिटल होती है अदिस अबाबा और यहाँ की करेंसी होती है वेर। ओके,
अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर हमें पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो आप सीख रहे हैं वो आपके मित्र भी सीखें और इस तरह चेन बढ़ती जाए और सभी को ज्ञान मिलता जाए। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, आप हमें शेयर चैट और डेली मोशन वेबसाइट अगर आप यूज करते हैं वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमें खबरी पर भी फॉलो कर सकते हैं, हम कल से खबरी पर भी अपना अकाउंट बना दिए हैं, वहाँ पर ऑडियो क्लिप जाया करेगा करंट अफेयर्स का। ओके, एंड आप हमें हमारे जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ सब जगह आपको हमारा अकाउंट तैयारी विगनर्स की के नाम से प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्लास का तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ सुटेबल से प्राप्त हो जाएंगे, सुटेबिलिटी के साथ आप वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को निरंतर और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप ही की बेनिफिट की बात है, उसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो आप देख लेते हैं न्यूज़ क्या हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लाभों पर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का अध्ययन किया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को 2014-15 में केंद्र सरकार द्वारा मृदा पोषक तत्वों की गिरावट को दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। हाल ही में एक राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के अध्ययन के अनुसार मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आवेदन में रासायनिक उर्वरक के उपयोग में 10% की गिरावट आई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ने भी भूमि की उत्पादकता में 5-6% की वृद्धि की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आ जाता है कर्नाटका सरकार की जनसेवका योजना सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी। ओके, कर्नाटक सरकार ने जनसेवका नाम से एक नई योजना लेकर आई थी। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बात याद रखनी है, जनसेवका जो योजना है किस सरकार की है, कर्नाटक सरकार की है। ओके, और अगर बेंगलुरु की बात करेंगे, जो ट्रैफिकिंग की जो भी इंडेक्स आई उसमें बेंगलुरु फर्स्ट नंबर पर आ गया है टॉप 10 कंट्रीज में। ओके, इस योजना का उद्देश्य विभिन्न सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी की गारंटी प्रदान करता है। योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में एक स्वयंसेवक होगा। इन स्वयंसेवकों को फिर से नियुक्त किया गया है। प्रारंभ में इन स्वयंसेवकों को सरकार द्वारा आउटसोर्स किया जा रहा था। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की। तृतीय रक्षा अधिकारी सम्मेलन 2020 का तृतीय रक्षा अधिकारी सम्मेलन हुआ है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कहाँ हुआ है। तृतीय रक्षा अधिकारी सम्मेलन 2020 का उद्घाटन नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा किया गया। सम्मेलन में 10 नए रक्षा विंग बनाने की घोषणा की ताकि 10 और रक्षा अताशे नियुक्त किए जा सकें। अपने संबंधित देशों को रक्षा अटेंडेंस के माध्यम से रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 34 देशों को निर्यात प्रोत्साहन के लिए धनराशि दी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जो रक्षा अधिकारी सम्मेलन 2020 है वह कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है हमारे, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो इनकी निर्वाचन क्षेत्र क्या है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ से आपको तुरंत आपको याद रखना है डेफ एक्सपो जो कॉन्क्लेव हो रही है, जो भी आयोजन हो रहा है वो लखनऊ के अंदर ही हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलेट ट्रेन परियोजना। तो मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना भारत की पहली राष्ट्रीय उच्च गति रेल परियोजना के रूप में जानी जाती है। यह परियोजना जो है जापान की शिकांशेन बुलेट ट्रेन तकनीक के साथ बनाई गई है। 508.17 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेक महाराष्ट्र में 155.64 किलोमीटर दूरी, दादरा और नागर हवेली में 2 किलोमीटर की दूरी, मौजूदा 7-8 घंटे के संबंध में 320 किलोमीटर प्रति घंटे की उच्च गति पर 2-7-2-58 घंटे के मामले में गुजरात से 350.53 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, तो आपके लिए ये डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ओके, आपके लिए इम्पोर्टेंट है बुलेट ट्रेन परियोजना। अब ये कहाँ से कहाँ तक चलाएगी, मुंबई से अहमदाबाद, ठीक है, और ये भारत की पहली राष्ट्रीय उच्च गति परियोजना है। इसकी स्पीड आपको याद रखनी है, तो ये 320 किलोमीटर प्रति घंटे की उच्च गति पर चलेगी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक चिकित्सा डेटा लीक से प्रभावित राज्यों की सूची में महाराष्ट्र सबसे शीर्ष पर आ गया है। ग्रीनबोर्न सस्टेनेबल रेजोल्यूशन द्वारा जारी मेडिकल डेटा लीक पर एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार एक जर्मन साइबर सिटी फॉर्म 120 मिलियन से अधिक भारतीय रोगियों का चिकित्सा विवरण लीक किया गया और इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया गया। भारत से महाराष्ट्र राज्य 308451 सैनिकों की साथ सूची में सबसे शीर्ष पर है, जो कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और गुजरात के बाद लगभग 7 करोड़ छवियों तक पहुंच प्रदान करता है। तो वैश्विक चिकित्सा डेटा लीक प्रभावित राज्यों में सर्वश्रेष्ठ जो सूची है वो रहा है महाराष्ट्र। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, भारत और रूस ने भारत को कच्चे तेल के आयात के लिए पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये एक MOU साइन हुआ है भारत और रूस के अंतर्गत। 5 फरवरी 2020 को भारत में कच्चे तेल के आयात के लिए पहली बार अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अनुबंध के अनुसार भारत वर्ष 2020 के दौरान 2 मिलियन मीट्रिक टन यूरल्स ग्रेड कच्चे तेल का आयात करेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, भारत और रूस इनके बीच किस बात पर, कच्चे तेल के आयात पर साइन किए गए हैं। अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की। स्पेशल नॉलेज में हम BCCI को डिस्कस करेंगे। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना हुई थी 1928 को, ये सभी को पता होना चाहिए। संबंधन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से है। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव अगर पूछे जाएंगे तो अमिताभ चौधरी हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। बोर्ड की एक समाज तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत के रूप में 1928 दिसंबर में इसका गठन किया गया था। यह राज्य क्रिकेट संघों के एक संघ है और राज्य संघों उनके प्रतिनिधियों, जो कि बदले में BCCI अधिकारियों का चुनाव करता है। ओके, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया BCCI की फुल फॉर्म, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 1928 मुंबई महाराष्ट्र और अध्यक्ष हो गए सौरभ गांगुली, क्योंकि ये नवनिर्वाचित हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करेंगे स्टेट की, तो ओडिशा की बात करेंगे। तो इसकी कैपिटल सभी को पता है भुवनेश्वर होती है। सबसे बड़ा शहर जो है वो भी भुवनेश्वर है। जिले यहाँ पर 30 हैं। राजभाषा ओडिया है और गठन अगर पूछा जाएगा तो 26 जनवरी 1950 को ओडिशा की गठन हुआ था। राज्यपाल गणेशी लाल है। मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक, ये कि विजय पार्टी से आते हैं। विधानमंडल यहाँ की जो है वो एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें 147 होती हैं। राज्यसभा की सीट जो है 10 होती हैं। लोकसभा की सीट अगर पूछेंगे तो 20 सीट आप बताएंगे, ठीक है। तो कैसे बताना है, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं वहाँ, 30, ठीक है। लोकसभा में कितनी सीट हैं, 20, और राज्यसभा में कितनी सीट हैं, 10। तो 30, 20, 10 ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है। कितना ईजी रहेगा ओडिशा के लिए, 10, 20, 30 ऐसे याद रखना, 10, 20, 30 राज्यसभा, लोकसभा और जिला कितने, 10, 20, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा जिसे पहले ओडिशा के नाम से जाना जाता था, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। ओडिशा उत्तर में उत्तराखंड और ओडिशा के उत्तर में कौन है, झारखंड है। उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पूर्व में छत्तीसगढ़ से घिरा है तथा पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी है। वह उसी प्राचीन राष्ट्र कलिंग का आधुनिक नाम है जिस पर 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था। युद्ध में भयानक रक्तपात व्यथित हो बौद्ध धर्म का अंगीकार उन्होंने कर लिया था। आधुनिक ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को ही कटक के कनिका पैलेस में भारत के एक राज्य के रूप में हुई थी। इस नए राज्य के अधिकांश नागरिक क्या थे, ओडिया भाषी थे। राज्य में उत्कल दिवस को ओडिशा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 1 अप्रैल को। क्षेत्रफल के अनुसार ओडिशा भारत का 9वां और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। ओडिया भाषा राज्य की आधिकारिक भाषा और सबसे बोली जाने वाली भाषा है। ओडिसी यहाँ का नृत्य भी है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पारादीप को छोड़कर राज्य की अपेक्षाकृत सपाट तटरेखा लगभग 480 किलोमीटर के कारण अच्छे बंदरगाहों का अभाव है। संकीर्ण और अपेक्षाकृत समतल तटीय पट्टी जिसमें महानदी का डेल्टा क्षेत्र शामिल है। भौगोलिक लिहाज से इसके उत्तर में छोटा नागपुर का पठार है और अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, लेकिन दक्षिण में क्या है, महानदी, ब्राह्मणी, सालंदी, बैतरणी नदियों के उपजाऊ मैदान है। तो ओडिशा की नदी कौन कौन सी है, महानदी है, ब्राह्मणी है और सालंदी और बैतरणी जो है ओडिशा की
नदियाँ हैं। यह पूरा क्षेत्र मुख्य रूप से चावल उत्पादक का क्षेत्र है और कटक में चावल अनुसंधान क्षेत्र भी है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। राज्य के आंतरिक भाग और कम आबादी वाले क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र में है। 1672 मीटर ऊंचा देवमाली राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। ओडिशा में तीव्र चक्रवात आते रहते हैं। ओडिशा के संबलपुर के पास हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, जो कि मिट्टी का बांध है। ओडिशा में कई लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं, जैसे पुरी, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये सूर्य बर्मन ने बनवाया था, और भुवनेश्वर सबसे प्रमुख है, जिन्हें पूर्वी भारत का सुनहरा त्रिकोण पुकारा जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर, जिसकी रथ यात्रा जो होती है, विश्व प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को देखने के लिए लाखों पर्यटक आते रहते हैं। ब्रह्मपुर के पास जोगदा में स्थित अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख और कटक का बारावटी किला भारत के पुरातत्व के इतिहास में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ओडिशा से इंपॉर्टेंट जितनी भी न्यूज़ बन रही थी, जितने भी स्टैटिक पोर्शन बन रहे थे, हमने बना दिए। भीतरकनिका, नंदनकनन जो जूलॉजिकल नेशनल पार्क हैं, वो आपको ओडिशा के अंदर मिल जाएंगे। ओडिशा का जो वेलर द्वीप है, उसका नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मोस और पिनाक मिसाइल और QRES जो मिसाइल है, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया है। वर्तमान में अभी हाल ही में कुछ समय पहले दिसंबर 2019 में, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, अब बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके में हम बात करेंगे बिहार के वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। तो बिहार भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य है, गौतम बुद्ध पक्षी विहार है, कंवर झील वन्यजीव अभयारण्य है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है, नागी बांध पक्षी विहार है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है, नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य है, पंत राजगीर वन्यजीव अभयारण्य है नालंदा में, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य है, विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य है, बरेला झील सलीम अली पक्षी वन्यजीव अभयारण्य जो है, कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य जो है, वो आपको बिहार के अंदर मिल जाएगा। बिहार के प्रमुख बांध भी हैं, कुछ बांध का नाम जो है अजन बांध, अजन नदी पर बधुआ बांध है, बरनार बांध है, भाष्कुंड बांध है, बिलासी बांध है, चंदन बांध है और दुर्गावती बांध है। ओके, तो ये थे हमारे स्टैटिक के पोर्शन से बिहार के जो भी वन्यजीव अभयारण्य थे और बांध थे। ठीक है, अब एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की बात करेंगे। भारतीय फिल्म अभिनेता जो हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी किस राज्य से संबंधित है, सभी लोग जानते भी होंगे, तो वो हैं बिहार राज्य से संबंधित। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ताले बनाने के लिए, चूड़ी बनाने के लिए फिरोजाबाद, मतलब क्या कहते हैं, मशहूर है। और चूड़ी बनाने, आभूषण बनाने के लिए तो हमें नहीं पता है, कपड़े बनाने के लिए सूरत जो है वो मशहूर है। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदर का स्थित है, सभी लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से एक दो न्यूज़ें तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। एक तो इन्होंने अपनी विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव कर दिया है, दूसरा यहाँ की जो 3 कैपिटल्स हैं अभी उन्हें भी प्रस्ताव कर दिया गया है, विशाखापट्टनम, कुरनूल और अगरतला, जो कि 2024 में बन जाएगी। भाषा के तौर पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश ही है। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। नौवां ग्रह जो है उसे प्लूटो, उसे बौना ग्रह या ड्वार्फ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है, तो वाराणसी के अंदर है। वाराणसी को काशी के नाम से भी जाना जाता था। वैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं, सिख धर्म के लोग वैसाखी त्यौहार मनाते हैं। शाहनामा किसकी कृति है, फिरदौसी की कृति है। ओके, मणिपुर की राजधानी आप सभी को पता होगी इम्फाल है। गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कब करवाया गया था, तो 1964 में, और 31 दिसंबर 1964 में पुर्तगालियों से इन्हें आज़ाद करा दिया गया था। ठीक है, पुर्तगाल की बात हो रही है, तो पुर्तगाल की कैपिटल होती है लिस्बन और यहाँ की करेंसी जो होती है वो होती है यूरो। ओके, गोवा लिबरेशन डे भी 31 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अनुच्छेद, और गोवा में दो रिवर हैं, मांडवी और जौरी रिवर, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गई। गोवा की दो रिवर जो हैं मांडवी रिवर और जौरी रिवर। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है, लागू था, ठीक है, तो अभी है नहीं, यहाँ पे था होगा, लागू था तो 35 है, 370 था जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, क्योंकि अब वो हटा दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन बन जाएगा। नए और प्रथम उपराज्यपाल बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। वेरीनांग, अनंतनाग जो भी झील हैं, वुलर झील, तो ये आपको जम्मू कश्मीर के अंदर मिल जाएंगी। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क और दाचीगम नेशनल पार्क जो है वो भी आपको जम्मू कश्मीर के अंदर मिल जाएगा। ठीक है,
सरिस्का नेशनल पार्क जो है वो आपको राजस्थान के अंदर मिलेगा, पन्ना पेंच फॉसिल जो भी नेशनल पार्क हैं वो आपको मध्य प्रदेश के अंदर मिलेंगे, आंध्र प्रदेश के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को, जितने भी हैं आपके व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप वहाँ पर आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और वायरल कीजिएगा वीडियो को, और हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज को भी फॉलो कीजिए और हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शेयर चैट और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, खबरी ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें डेली मोशन वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएंगे। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, इससे जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए और अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और मन में जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना तभी चैन से बैठेंगे। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं हम आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।